गाइस, रक्षाबंधन स्पेशल रेमेडी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये रेमेडी ट्राई नहीं की तो क्या किया, आप जितने भी पार्लर्स वगैरह में चले जाएं, लेकिन ऐसा निखार आपको पार्लर से भी नहीं मिलेगा, पार्लर से भी दो गुना ज़्यादा आपको निखार मिलेगा। और किस लिए फिर पैसे वेस्ट करने हैं, टाइम वेस्ट करना है, तो जल्दी से इस रेमेडी को ट्राई कीजिए। और कैसे करना है ट्राई, एक जिस तरह से मैं बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको इसे ट्राई करना है। और रक्षाबंधन वाले दिन तक डेली इस रेमेडी को ट्राई करना है आपको। रक्षाबंधन वाले दिन तो आपके स्किन का लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप है क्लिंजिंग। क्लिंजिंग के लिए यहाँ पर कच्चा दूध लेना है और लेमन लेना है। कच्चे दूध में होता है लैक्टिक एसिड और लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है दोनों में, तो ये स्किन को लाइटन अप करने का काम करते हैं। इन दोनों को मिक्स करके एक छेने जैसी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। दूध से अच्छा कोई भी क्लींजर नहीं है, जितने भी मार्केट में क्लींजर मिलते हैं कोई भी आप कंपेयर करके देख लो, दूध एक ऐसा क्लींजर है। पुराने वक्त में इसी से ही, इन्हीं नेचुरल चीज़ों से ही चेहरे को साफ किया जाता था, चेहरे को ट्रीट किया जाता था। 2 मिनट तक इसे अच्छे से आपको रब करना है, इस तरह से आपकी क्लींजिंग हो जाती है। और किसी भी कपड़े की हेल्प से आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है। ये वाली क्लींजिंग अगर आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको अपनी स्किन में लाइटन अप देखने को मिलेगी। आपकी स्किन का टोन जो है वो एनहेंस होता जाएगा अगर रेगुलर बेस पे आप इस क्लींजर का यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट स्टेप है मसाजिंग। मसाजिंग क्रीम बनाने के लिए आपको लेनी है दही। दही में होता है लैक्टिक एसिड और इसमें आपको पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करनी है। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है तो इसमें 1 चम्मच शहद का भी आप ऐड कर दें। इससे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, और इसे अपने फेस पर लगा करके अच्छे से मसाज करनी है। मसाजिंग वाले स्टेप में आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, जितनी ऐसे मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और सारा ब्लड सर्कुलेशन का ही खेल होता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो स्किन में ग्लो आएगा, अंदर से निखर करके बाहर आता है ग्लो, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मसाज करनी है। मसाज करने के भी तरीके होते हैं, नहीं तो आपकी स्किन सैग हो सकती है अगर आप गलत डायरेक्शन में गलत तरीके से आप मसाज करते हो तो। मसाजिंग हमारी हो चुकी है, अच्छे से जो मसाजिंग क्रीम है आपके फेस पर, आपकी स्किन पर पेनिट्रेट होनी चाहिए। इसके बाद आपको फेस मास्क लगाना है, इसे आपको वॉश नहीं करना है, इसी के ऊपर आपको फेस मास्क लगाना है। फेस मास्क के लिए आपको लेना है चावल का आटा, 1 चम्मच चावल का आटा लेना है, 1 चम्मच आपको बेसन लेना है, और 1 ही चम्मच आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है। तीनों ही आपको छोटी वाला जो चम्मच होता है, टीस्पून जो होता है वो वाला लेना है। मैं यहाँ पर अपने फेस के हिसाब से आपको बता रही हूँ। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आपको इसमें 1/2 लेमन स्क्वीज करना है। लेमन डालने के बाद आपको दही से इसका पेस्ट बनाना है। आपको पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, दही से जितनी दही की रिक्वायरमेंट इस पेस्ट में हो अच्छा सा एक पेस्ट बनाने के लिए, उतनी दही आपको इसमें ऐड करनी है। और पिंच ऑफ आप टर्मरिक भी डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली हर एक रेमेडी में अपनी डालती हूँ, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इस फेस मास्क को अपनी मसाजिंग क्रीम किए हुए फेस पर इस तरह से ही आपको लगा लेना है, 15 मिनट के लिए लगा करके छोड़ देना है। जब ये सेमी ड्राई हो जाए तब इसे 5 मिनट की सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करनी है और देन वॉश ऑफ कर देना है। गैस, एक बार के एप्लीकेशन में इतना ज़्यादा ग्लो आ रहा है तो सोचो आप 1 वीक के लिए, रक्षाबंधन के 5 दिन रह गए हैं, 6 दिन, तब तक आप ये करोगे तो कितना ज़्यादा ग्लो आपके चेहरे पर आ जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये रेमेडी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर देना।